आइए स्टूडेंट्स इस पुली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जहां हमारे पास ये एक फिक्स्ड पुली है और यहां स्ट्रिंग नीचे जा रही है और एक ब्लॉक हमारे पास लगा हुआ है। ये स्ट्रिंग इस फिक्स्ड पुली के ऊपर से जाते हुए एक और पुली के नीचे से जा रही है और ये स्ट्रिंग पुली के इस नीचे से जाते हुए ऊपर से बंधी हुई है। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक और है, इसका मास M1 है और इसका मास हमारे पास M2 है। दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन हमने निकालनी है। दोनों पुली का मास नहीं है, इस पुली का नाम A रख लो, इसका नाम B रख लो, ये मूवेबल पुली है। मान लेते हैं कि जो लेफ्ट ब्लॉक M1 है, ये वाई नीचे आ जाता है। हमने मान लिया कि M1 ब्लॉक नीचे की तरफ वाई अगर डिस्प्लेस होता है तो ये मूवेबल पुली का सेंटर ऑफ मास भी वाई नीचे आ जाता है, लेकिन इधर से स्ट्रिंग वाई और इधर से स्ट्रिंग वाई और चाहिए होगी, क्योंकि यहां से तो स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो 2y स्ट्रिंग चाहिए। नेचुरली वो M2 ब्लॉक के ऊपर जाने की वजह से मिली होगी, M2 ब्लॉक ऊपर 2y गया होगा। अगर M1 ब्लॉक नीचे y जाएगा, पुली भी नीचे वाई जाएगी, उसे 2y स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वो M2 ब्लॉक को ऊपर 2y खींचेगी। तो साफ नजर आ रहा है, अगर M1 नीचे की तरफ A से एक्सेलरेट होगा तो M2 ऊपर की तरफ 2A से एक्सेलरेट होगा। ये जो पुली बी है, ये नीचे की तरफ ये ए से एक्सेलरेट होगी। हम पुली बी की भी डायनेमिक्स की इक्वेशन बनाएंगे और बाद में उसका मास हम 0 ले लेंगे। तो कमाल हो गया, आप ये देखें, M1 ब्लॉक अगर नीचे वाई आता है तो पुली बी भी नीचे वाई आती है और उसे दोनों साइड से y+y स्ट्रिंग चाहिए होती है, पर यहां से स्ट्रिंग बंधी हुई है तो 2y स्ट्रिंग की लेंथ और कहां से आएगी, वो M2 ब्लॉक के ऊपर जाने की वजह से आएगी, मतलब M2 ब्लॉक ऊपर 2y गया होगा। अगर M1 4 सेंटीमीटर नीचे आएगा, M2 8 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं M2 की एक्सेलरेशन अगर ऊपर है और M1 की एक्सेलरेशन अगर नीचे मानी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो अलग अलग है, पर मैग्नीट्यूड M2 की एक्सेलरेशन का M1 की एक्सेलरेशन से डबल होगा। अब हम डायनेमिक्स की इक्वेशन बनाएंगे और A की वैल्यू निकालेंगे और फिर कंडीशन भी बनाएंगे कि हमने M1 को क्यों नीचे जाता हुआ माना, क्या हमने कोई चीज मान ली है, उसकी चर्चा जारी रहेगी। ये लीजिए हमारे पास, फिर डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारे पास पुली है, ये इधर स्ट्रिंग, इधर लगा हुआ है हमारे पास ब्लॉक M2, ये स्ट्रिंग ऊपर से होती हुई यहां आई और इस पुली के नीचे से होती हुई ऊपर से बंध गई। यहां लगा हुआ है हमारे पास ब्लॉक M1। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका वेट M1g, धागे में टेंशन T1, यहां धागे में टेंशन T1, ये धागा अलग है तो उस अलग वाले धागे में टेंशन T2 मानेंगे, यहां टेंशन T2, इसका वेट हमारे पास आप देख रहे हैं M2g, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T2। अगर ये पुली का वेट दिखाना है तो ये देखिए, ये एक और एरो में लेके आया,
ये है मास ऑफ पुली इनटू जी, जिसे हम जीरो ले लेंगे। पुली बी का मास हमने एम पुली लिया, जिसे जीरो लेंगे, क्योंकि हम इसकी डायनामिक्स की इक्वेशन जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये पुली बी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। एम वन ब्लॉक नीचे ए से एक्सेलरेट हो रहा है, ये पुली नीचे ए से एक्सेलरेट हो रही है। एम टू ब्लॉक ऊपर टू ए से एक्सेलरेट हो रहा है, और ये जो पुली ए है ये फिक्स्ड है, ये रुकी हुई है। अब एम वन ए इक्वल टू के राइट साइड में लिख दें, फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्स कौन दे रहा है, एम वन जी माइनस टी वन, इक्वेशन नंबर वन। ये पुली के लिए एम पुली इनटू ए राइट साइड पे लिख दें, कौन दे रहा है, एम पुली जी प्लस टी वन माइनस टी टू माइनस टी टू, एम पुली जी प्लस टी वन माइनस टी टू माइनस टी टू। यह है इक्वेशन नंबर दो। ठहरो, एम पुली को जीरो लेना है, पुली मासलेस है, दोनों पुली मासलेस हैं। पुट एम पी जी जीरो, पुट एम पी जीरो, दोनों पुली मासलेस हैं। पुट एम पी जीरो, ये जीरो हो गया, राइट साइड जीरो हो गई। टी वन माइनस टू टी टू इज जीरो, टी वन इज ट्वाइस ऑफ टी टू, ये बनी इक्वेशन नंबर तीन। अब एम टू इंटू ट्वाइस ऑफ ए, इस टी टू माइनस एम टू, जी डायनामिक्स की इक्वेशन बन गई, यह इक्वेशन नंबर चार। अब एक तीन और चार को सॉल्व करना है। फ्रॉम वन, एम वन जी माइनस टी वन इज एम वन ए, ये वन है। थ्री को वन में डाल दो, एम वन जी माइनस टू टी टू इज एम वन ए। इक्वेशन चार को दो से मल्टीप्लाई करो, टू टी टू माइनस टू एम टू जी इस फोर एम टू एड कर दो, एम वन जी माइनस ट्वाइस ऑफ एम टू जी इज एम वन ए प्लस फोर टाइम्स एम टू ए। एम वन माइनस ट्वाइस ऑफ एम टू इंटू जी इज एम वन प्लस फोर टाइम्स एम टू इंटू ए, एक्सेलरेशन आ गई। एम वन माइनस ट्वाइस ऑफ एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस फोर टाइम्स एम टू इंटू जी। और याद रखना, ये एम वन की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एम वन की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एम टू की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ट्वाइस ऑफ ए है।
अब हमने M1 को नीचे जाता हुआ एक्सेलरेट होता हुआ माना, वो तभी पॉसिबल है इफ M1 इज ग्रेटर देन 2M2। ए इज पॉजिटिव, याद रखें आप, मतलब जब हमने प्रॉब्लम को शुरू किया, हमने माना कि M1 ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, माना, क्योंकि शुरू करते ही हम मान चुके थे M1 M2 के डबल से बड़ा है। M1 वो ब्लॉक है जो इस मूवेबल पुली के साथ जुड़ा हुआ है। M1 अगर ट्वाइस M2 से बड़ा है तो ये नीचे एक्सेलरेट होगा और ये ट्वाइस A से ऊपर एक्सेलरेट होगा। M1 अगर ट्वाइस ऑफ M2 के इक्वल है तो ये रुक जाएगा सिस्टम, क्योंकि ये जीरो आ जाएगा। अगर M1 ट्वाइस M2 के इक्वल हो गया तो ए जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। M1 माइनस ट्वाइस ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस 4 टाइम्स M2 इंटू जी। चलिए मासे सेम ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर मासेज आपने सेम ले लिए, ये नीचे एक्सेलरेट नहीं होगा, ए नेगेटिव आ जाएगा। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।